इवनिंग ऑल गुड इवनिंग आ गए सब लोग यस वेरी गुड इवनिंग टू ऑल तो आ गए सब लोग तो हम डिस्कस करें हमारा आज का टॉपिक न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स एंड देयर फंक्शंस यस तो स्टार्ट करें आ गए सब लोग कैसे आप सब लोग यस सो लास्ट लेक्चर में हमने रिसेप्टर टायरोसिन टायन को डिस्कस किया रिसेप्टर टायरोसिन टायस में हमने टीकाज पाथ एम टॉर पाथवे एंड वो डिस्कस किया था आज हम डिस्कस करें एनआरटी के पाथवे तो एन आर टी के पाथ एंड इट्स फंक्शन वो हम डिस्कस करें सो टॉपिक कवर्ड इन टूडे सेशन आर ऐसे कौन से कौन से टॉपिक्स को हम देखेंगे तो एक तो पहले आपको देखना है एनआरटी के रिसेप्टर मतलब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आरटीके एंड एनआरटीके तो नॉन रिसेप्टर टार्जिन काइंड होता क्या है दूसरा एनआरटीके का रिसेप्टर का स्ट्रक्चर देखेंगे जैसे हमने आरटीके का देखा था एंड जैक स्टैट पाथ यहां पे हमें डिस्कस करना है जैक स्टैट पाथ हां हम भी अच्छे एकदम मस्त हम तो एकदम एवर ग्रीन है यस Uh, नहीं निधि वो थोड़ा सा क्लासरूम के क्लासेस होते हैं ना इसलिए वो थोड़ा सा चेंज हुआ था टाइमिंग क्लासरूम के क्लासेस की वजह से टाइमिंग चेंज हुआ था फिर से नेक्स्ट मंडे से तो अपना फिर से पांच बजे ही क्लास है बट फिर भी मंडे से मैं बताऊंगा आपको हाँ हा, पांच बजे ही होगा सो so, स्टार्ट करते आज का हमारा सेशन स्टार्ट करे येस yes. तो एनआरटी के स्ट्रक्चर देखेंगे नॉन रिसेप्टर टायरोसिन कैनिट्स क्या होता है नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर देखेंगे उसका एक्टिवेशन देखेंगे रेगुलेशन देखेंगे एंड जेक्स टेट पार्टियों को डिस्कस करेंगे स्टार्ट करें यस लास्ट लेक्चर से कोई डाउट है क्या आपको हाँ हाँ एमएच सेट के लिए भी है एमएच सेट के लिए गेट के लिए यस yes, आ गए सब लोग सोनू मोनू चंगू मंगू टिंगू सभी आ गए क्या यस सो स्टार्ट करते आज का हमारा सेशन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल सो देखिए क्लासरूम कोचिंग है इलेवेंथ जैन से स्टार्ट हो रही है तो आप अपने फ्रेंड्स को जो भी ज्वाइन होना चाहता है पुणे हो या जोधपुर हो क्लासरूम कोचिंग के बारे में बता दीजिए कि इलेवन जैन से स्टार्ट हो रही है और नाइन जैन से ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट हो रही है तो नाइन नाइन जैन से जो बैच स्टार्ट स्टार्ट हो रही है उसको भी आप बोल सकते हैं ओके यस स्टार्ट करें नहीं नहीं हमें कहा से नींद आएगी चंचल हा? हम पढ़ाने आए हैं यहां पे क्या नींद आएगी सो so, स्टार्ट करें यस yes. तो क्लासरूम कोचिंग जो है वो क्लासरूम कोचिंग स्टार्ट हो रही है नाउ लेट स्टार्ट अभी देखो नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस क्या है तो नॉन रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेजेस यस नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस अभी नॉन रिसेप्टर टायरोसिन अभी इसका नाम एनआरटीके क्यों लिखा है आप मुझे बता देना क्या आपको पता है क्या कि आरटीके और एनआरटीके में क्या डिफरेंस है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आरटीके एंड एनआरटीके यस हाँ तो आरटीके एंड एनआरटीके मेजरली अगर हम ये देखते हैं कि डिफरेंस इज जो भी एनआरटीके रिसेप्टर्स होते हैं तो एनआरटी के रिसेप्टर ये जो एनआरटी के रिसेप्टर होते हैं ना इनमें क्या डिफरेंस है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनआरटी के एंड आर के रिसेप्टर तो रिसेप्टर में ये डिफरेंस है कि यहां पे कोई टायरोसिन काइनेज जो होता है वो नॉन कोवेलेंटली असोसिएटेड होता है तो so, देखो ये डिफरेंस है तो टायरोसिन नॉन कोवेलेंटली टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड नॉन कोवेलेंटली नॉन कोवेलेंटली टायरोसिन काइनेज क्या होता है एसोसिएट होता है रिसेप्टर को अगर बाहर से अगर एसोसिएट हो तो इसको हम बोलते हैं नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एंड अगर रिसेप्टर का ही पार्ट हो इंट्रिंसिक पार्ट हो तो उसे बोलते हैं आरटीके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज यस हाँ एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस होगी हाँ अच्छा हॉलिडे पे गए क्या ऐसे कैसे हॉलिडे पे गए बिना बताए हाँ? ऐसे बिना बताए हॉलिडे पे कैसे गए और इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर छोड़ के कहाँ पे गए हॉलिडे पे अभी देखो रिसेप्टर्स मतलब जो एनआरटी के रिसेप्टर है एनआर के रिसेप्टर नॉन रिसेप्टर टायरोसिन देखो मजा क्या आता है कि एनआरटी के रिसेप्टर जो होते हैं ना ये रिसेप्टर्स इनमें टायरोसिन ही एक्टिवेट होता है बट एनआरटी के रिसेप्टर्स को एक्चुअल में रिसेप्टर्स डोंट हैव एक्टिविटी सो रिसेप्टर नॉट हैविंग इंट्रेंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी रिसेप्टर में खुद में एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती रिसेप्टर डोंट हैव द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इसीलिए अगर रिसेप्टर में खुद में एक्टिविटी नहीं है बट अगर बाहर से रिसेप्टर को टायरसिन बाइंड हुआ तो इसे बोलते हैं एनआरटी के रिसेप्टर नाउ तो एंजाइम नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड सो यहां पे हम क्या बोलते हैं एंजाइम नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड सो नॉन कोवेलेंटली असोसिएटेड टू रिसेप्टर तो एंजाइम नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड टू द रिसेप्टर साइटोप्लाज्मिक डोमेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइटोप्लाज्मिक डोमेन को एंजाइम नॉन कोवेलेंटली एसोसिएट होता है एंड इसीलिए अगर साइटोप्लाज्मिक डोमेन को अगर एंजाइम नॉन कोवेलेंटली तो इसे हम क्या बोलते हैं एन आर बोलते हैं अभी एनआरटीके का फंक्शन ये कि एंजाइम जो है नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड होगा सो दिस इज नॉन एसोसिएटेड एंजाइम

एनआर टी के ये समझ में आया क्या ये डिफरेंस समझ में आया तो नॉन रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज मतलब कि रिसेप्टर को ही एंजाइम नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड होता है यस यहां तक समझा यस नाउ अभी यहां पे कौन से एंजाइम्स एसोसिएटेड होते हैं तो एंजाइम्स एसोसिएटेड आर तो पे कौन से एंजाइम्स असोसिएट होते हैं यहां पे कौन से एंजाइम्स एसोसिएटेड होते हैं यस एंजाइम्स जो एसोसिएटेड होते हैं यस yes. कौन से कौन से होते हैं आप बताओ चलो कौन से कौन से एंजाइम एसोसिएटेड होते हैं तो यहां पे होता है एक काइनेज़ एंड जो जेनस है, इसे हम बोलते हैं जैक जैक मींस जेनस काइनेज। ये जैक जो है, ये एंजाइम एसोसाइड होता है दूसरा होता है सी एस आर सी एंड सी एसआरसी ये साइटोप्लाज्मिक, हम बोलते है टायरोसिन काइनेज। टायरोसिन ओके? सी तो सीएसआरसी ये टायरोसिन काइनेज। है ये एंजाइम जो है वो एसोसिएटेड होता है करेक्ट करेक्ट तो एंजाइम्स यहां पे जो हम देखते हैं कि एंजाइम जो एसोसिएट होते हैं नॉन कोवेलेंटली ये दोनों भी एंजाइम नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड होते हैं टू द साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ रिसेप्टर सो एंजाइम्स एसोसिएटेड नॉन कोवेलेंटली टू द साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ रिसेप्टर तो साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ रिसेप्टर को नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड होते हैं इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं कि इसमें एक तो नॉट इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी इसमें रिसेप्टर में कभी एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती दूसरा एंजाइम नॉन कोवेलेंटली एसोसिएट होता है ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है देखो यहाँ पे कौन से सिग्नल्स इस रिसेप्टर को बाइंड होते हैं तो सिग्नल्स डेट एक्टिवेट एन आर ऐसे कौन से सिग्नल्स है कि जो एन आर को एक्टिवेट करते तो क्या आपको पता है क्या ऐसे कौन से सिग्नल्स है यस तो हम बोलते हैं यहां पे जो सिग्नल्स से तो सिग्नल्स क्योंकि एक है साइटोकाइंस तो ये साइटोकाइंस है उसके बाद इंटरलुकिस तो साइटोकाइन से इंटरलुकिन इंटरफेरॉन्स इंटरफेर से इरिथ्रोपोइटिन, सो साइटोकाइंस इंटरफेरॉन इंटरलुकिन इरिथ्रोपोइटिन एंड ग्रोथ हार्मोन। तो ये सारे जो सिग्नल्स है साइटोकाइंस इंटरलुकि इंटरफेरॉन्स ग्रोथ हार्मोन ये सारे जो सिग्नल्स है दीज आर ऑल द सिग्नल्स की जो मेजर रोल प्ले करते मतलब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि साइटोकाइंस इंटरलोकॉन्सिटी ग्रोथ हार्मोन दीज आर ऑल सिग्नल्स की जो एनआरटीके को एक्टिवेट करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आर टीके के सिग्नल्स हमने कौन से कौन से पढ़े आरटीके में भी हमने सिग्नल्स पढ़े वो कौन से कौन से थे तो आरटीके के सिग्नल्स अलग थे पे एनआरटीके की जो सिग्नल है वो भी अलग है तो बस ये डिफरेंस जिसको भी समझ में आया उसका आर टीके एन आर टीके क्लियर है अगर ये डिफरेंस ही समझ में नहीं आया क्योंकि अब बहुत सारे से एग्जाम में यही तो क्वेश्चन आता है साइटोकाइन कौन से रिसेप्टर को बाइंड होते हैं ग्रोथ फैक्टर कौन से रिसेप्टर को बाइंड होते हैं यह सबसे इंपॉर्टेंट है एनआरटी एंड आरटीके में क्या डिफरेंस है बस इतना ही पूछा जाता है हाँ हा 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 सतीश ये गै बी के लिए भी हेल्पफुल है यह सीएसआई नेट के लिए भी हेल्पफुल है ये सेट के लिए भी हेल्पफुल है ये गेट के लिए भी हेल्पफुल है ओके ये डीबीटी के लिए भी हेल्पफुल है सब के लिए हेल्पफुल है नाउ दूसरा ये समझ में आपको एंजाइम्स मतलब सिग्नल्स एंड दूसरा एंजाइम्स कौन से एसोसिएटेड है नाउ अभी हमें ये डिस्कस करना है कि यहां पे जो मतलब रिसेप्टर का एक्टिवेशन होता है वो रिसेप्टर का एक्टिवेशन कैसे होता है यस yes, यस yes, तो आरटीके के जो रिसेप्टर है वो ईजीएफ है पीडीजीएफ है है उसके बाद इंसुलिन है ये सारे एग्जाम्पल है जो आरटीके को एक्टिवेट करते हैं करेक्ट जो भी डिफरेंस है डिफरेंस देखो सबसे पहले आरटीके रिसेप्टर रिसेप्टर में ही इंट्रेंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है टायरोसिन का एक्टिविटी होती है एनआरटी में एक्टिविटी नहीं होती में बाहर से रिसेप्टर को एंजाइम बाइंड होता है तो आर टीके में रिसेप्टर पीडीजीएफ इंसुलिन वो सारे बाइंड होते हैं एनआरटी के जो है वो साइटोकाइन रिसेप्टर है इसको साइटोकाइंस इंटरलुकिन इंटरफेरॉन इोइिन बाइंड होता है ओके ये दोनों अलग अलग डिफरेंस है उसके बाद नेक्स्ट देखो क्लासरूम कोचिंग एंड जो सीएसएन एड का क्लासरूम कोचिंग है बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है एक तो पुणे में स्टार्ट हो रही है पुणे में एंड जोधपुर में तो दोनों भी जगह पे स्टार्ट हो रही है इलेवन जैन से स्टार्ट हो रही है तो आप क्लासरूम कोचिंग करना चाहते हो तो आप क्लासरूम कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो तो पुणे एंड जोधपुर में ज्वाइन हो रही है दोनों भी जगह पे आप कोई भी जगह पे ज्वाइन कर सकते हो एंड क्लासरूम कोचिंग से अपना स्टडी कर सकते हो एमपीएससी का जो भी ट्राई कर रहे हैं एम में फॉरेंसिक साइंस एग्जाम का तो फॉरेंसिक साइंस एग्जाम्स के लिए फुल रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है तो आपको अगर कोर्स चाहिए तो आप ले सकते हो ओके तो एम का फॉरेंसिक साइंस का कोर्स भी अवेलेबल है नाउ क्वेश्चन ये है कि रेगुलेशन ऑफ द एनआर के सिग्नलिंग सो एक्टिवेशन ऑफ एन के रिसेप्टर एनआरटी रिसेप्टर कितना कैसे एक्टिवेट होता है एक्टिवेशन एन आर एनआरटीके रिसेप्टर यस ग्रोथ फैक्टर वो उस रिलेटेड नहीं है शुभम आप मतलब सेल्स को जो ग्रोथ फैक्टर चाहिए वो ईजीएफ, जी एफ एनजीएफ पीडीजीएफ है जो आरटीके को एक्टिवेट करते हैं यहां पे जो ग्रोथ फैक्टर है साइटोकाइन से एंड ये इम्यून सेल्स एक्टिवेशन के रिक्वायर्ड होते हैं तो इम्यून सेल्स को प्रोलिपरेट करना है उनका क्लोनल एक्सपेंशन कराना है उनको डिफ्रेंसिएशन कराना है तो आप एनआरटी के पाथ के ऊपर जाते हो एंड नॉर्मल सेल्स को प्रोलिपरेशन कराना है नॉर्मल सेल्स में आपको डिविजन करना है तो आप आर के ऊपर जाते हो ओके नाउ सेकेंड दूसरा एक्टिवेशन ऑफ एनआरटी के रिसेप्टर में सबसे फर्स्ट आता है एक दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा में हियर देखो दिस इज दे द रिसेप्टर अभी इस रिसेप्टर में ये एनआरटी के रिसेप्टर है एनआरटी के रिसेप्टर एंड यहां पे बाइंड होता है साइटोकाइन इतना ही याद रखा तो भी क्वेश्चन सारे सॉल्व होते हैं एनआरटी के रिसेप्टर को कौन बाइंड होता है तो साइटोकाइन बाइंड होता है एनआरटी के रिसेप्टर को साइटोकाइन बाइंड होते हैं दिस इज मेम्ब्रेन डोमेन ये मेम्ब्रेन डोमेन है एंड दिस इज हियर देयर इज द ये नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है

ये फॉस्पोट डोमेन तो ये सारे मतलब प्रेजेंट है रिसेप्टर का स्ट्रक्चर है ओके अभी इस रिसेप्टर के स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पे दिस इज द मेम्ब्रेन इस प्लाज्मा के ऊपर यहां पे जब भी पहले लीग बाइंड होता है सो so, बाइंड होगा तो यहां पे साइटोकाइन बाइंड हुआ एंड साइटोकाइन बाइंड होने के बाद यहां पे बाइंड हुआ नॉन रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज़ यहाँ पे बाइंड हुआ मतलब this is non -receptor kinase bind हुआ अभी सबसे फर्स्ट क्योंकि साइटोकाइन बाइंड हो चुका है पहले रिसेप्टर मेडिटेड डायमराइजेशन होता है ओके तो यहां पे रिसेप्टर तो यहाँ पे क्रॉस तो पॉस्कुलेशन होगा क्रॉस पॉस्पुलेशन ऑफ नॉन रिसेप्टर टायरोसिन टायरोसिनकानेट्स नॉन रिसेप्टर टायरोसिन टायरोसिनकाइनिट का क्रॉस पॉस्पुलेशन होगा एंड यहां पे लिगेंड इंड्यूस लिगेंड इंड्यूस्ड

इज द रिसेप्टर एंड इस रिसेप्टर में here, this is the tyrosine kinase. So, एक तो फर्स्ट क्रॉस पॉस्पुलेशन होगा मतलब यहां पर क्रॉस पॉस्पुलेशन होगा देखो यहां पर एंड यहां पर क्रॉस पॉस्पुलेशन होता है एंड यह खुद एनजाइम में होता है यहां पर एंजाइम में फॉस्पोलेशन हुआ, क्रॉस फॉस्पोलेशन ऑन एंजाइम सबसे पहले लिगेंड इंड्यूस जो है वो फॉस्फोर डायमराइजेशन हुआ उसके बाद क्रॉस फॉस्फोलेशन हुआ एंड क्रॉस फॉस्फोलेशन एक बार एंजाइम में हुआ तो देखो यहाँ पे एंजाइम पे हुआ उसके बाद ये रिसेप्टर के ऊपर भी फॉस्फोलेशन होता है सो दिस इज फॉस्फोलेशन ऑन रिसेप्टर तो फॉस्फोलेशन ऑन रिसेप्टर सो दिस इज द मेजर रोल ऑफ द रिसेप्टर नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। तो यहाँ पे दिस इज प्लाजमा मरीन एंड दिस इज एक्सट्रिंसिकली नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड टायरोसिन काइनेज। सो काली नॉन कोवेलेंटली असोसिएटेड पैरोसिन कैन इंड यहां पर फॉस्पोलेशन ऑफ रिसेप्टर तो ये रिसेप्टर का भी फॉस्पोलेशन हो रहा है नाउ सो दिस इज कॉल्ड एज द

एंजाइम ने खुद के ऊपर फॉस्पोलेशन किया ताकि एंजाइम की एक्टिविटी बढ़े एंड उसके बाद फॉसपोरलेशन किसका हुआ तो फॉस्पोलेशन रिसेप्टर का हुआ मतलब फॉसपोरलेशन जो है वो रिसेप्टर का इसलिए किया जाता है क्योंकि अभी यहां पे कुछ अलग प्रोटीन बाइंड होंगे ये जो फॉस्पोलेटेड रिसेप्टर है वहां पे कुछ अलग प्रोटीन बाइंड होंगे ओके दिस इज कॉल्ड एज द मेजर रोल ऑफ एनआरटी के रिसेप्टर की एनआरटी के रिसेप्टर अगर फंक्शन करता है तो एनआरटी के फंक्शन में बस इतना याद रखना है कि सबसे पहले होगा लिगेंड इंड्यूस रिसेप्टर डायमराइजेशन उसके बाद होगा क्रॉस क्रॉसोलेन ऑफ नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एंड उसके बाद होगा टाइर ऑफ द रिसेप्टर मतलब रिसेप्टर का खुद का फॉसफोलेशन ये समझ में आया क्या बताओ यस yes, यहां तक समझ में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यही स्टेप इंपॉर्टेंट है एनआरटी के की ओके एंड सिमिलर आपने वहां पे भी देखा था आरटीके में भी देखा था यस प्रायर टू लिगेंड बाइंडिंग होता है वो प्रायर टू लिगेंड बाइंडिंग बाइंडिंग नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड होता है ओके okay? वैसे तो वो नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड होता है तो वो कभी भी इंटरेक्ट हो सकता है बट मोस्टली हम देखते हैं कि प्रायर टू लिगेंड बाइंडिंग इट इज बाइंड टू द रिसेप्टर एन नॉन कोवैलेंटली ये समझ में आपको यह नॉन रिसेप्टर टायरोसिन रिसेप्टर का डायमराइजेशन होगा उसके बाद हुआ, तो उसके बाद होता है कि एन आर टीके खुद अपने ऊपर फॉस्पुलेशन करता है तो फॉस्पुलेशन ऑफ द एंजाइम एंजाइम खुद के ऊपर फॉस्पुलेशन करेगा एंजाइम जब खुद के ऊपर फॉस्पुलेशन करेगा उसके बाद फिर एंजाइम रिसेप्टर को भी फॉस्पुलेट करेगा एंड जब रिसेप्टर का पांचपोलेशन होगा तो जाके फिर आगे जाके आगे का सिग्नलिंग होगा मतलब आगे का मतलब देर इज द एक्टिवेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन इन साइटोसोरिक साइड तो अभी हम देखते हैं कि एनआरटी के फंक्शन कौन से कौन से पाथवेज में करता है यस yes, क्या आरटी के जो काम करता है वो एनआरटी के करता है क्या यस yes. थर्ड वाले में साइटोकाइन होगा ना है ना यहाँ पे साइटोकाइन तो है बाइंड तो वाइलिगेंड को ये साइटोकाइन ही तो है तो ये साइटोकाइन का रिसेप्टर है एनआरटीके साइटोकाइन का रिसेप्टर है यस साइटोकाइन ही है देखा बस उसको नाम नहीं लिखा था <laughs> अभी देखते एनआरटीके कौन से कौन से मतलब आ, पाथवेज एक्टिवेट करता है तो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे एक्टिवेटेड बाय नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज तो सिग्नल ट्रांजक्शन पाथवे एक्टिवेटेड बाय नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज तो ऐसे कौन से सिग्नल ट्रांजेक्शन पाथवे जैसे जो नॉन रिसेप्टर टायरोसिन कहने से एक्टिवेट होते हैं कौन से कौन से पाथवे यस कौन से पाथवे तो एक है सबसे फर्स्ट तो सबसे फर्स्ट मैं बताता हूं एक है जैक स्टेट पाथ तो जैक स्टेट पाथवे ये एक्टिवेट होता है एनआरटी के से बाकी आप बताना अभी जैक स्टेट पाथ क्योंकि यहां पर भी टायरोसिन कैनेज एक्टिवेट होता है

एंड उसके बाद में देर इज द आई पी थ्री डैक पाथवे तो ये भी एक्टिवेट होगा एंड दिस इज द फॉस्पोलाइ पे सी ग्यामा पाथ तो यहां पे एक्टिवेट होगा फॉस्फो लाइपे सी ग्यामापाथ पाथ पे सी ग्यामा पाथ भी एक्टिवेट होगा तो दीज आर ऑल पाथवेज़ दे आर एक्टिवेटेड बाय एन आर टी के रिसेप्टर ये सारे पाथवेज है कि जो एन आर टी के रिसेप्टर से एक्टिवेट होते हैं ओके तो ये मतलब जैकस्टेट यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा पाथवे पढ़ेंगे बाकी जैक्सटेट के साथ हमने बाकी तो पढ़ ही लिए आपको तो पता ही है कि मतलब रास मैप हमने डिस्कस किया है रास मैप क्या करता है वैसे रास मैप का फंक्शन क्या है मैप पाथवे का फंक्शन क्या है एकेटी गाइनेस का फंक्शन क्या है एंड फॉस एस सी ग्यामा का पाथवे का क्या फंक्शन है ये मुझे बताना कमेंट बॉक्स में यस हाँ सेल स्पेसिफिक होंगे बट टायरोसिन जहां पे भी एक्टिवेट होगा वहां पे अलग अलग पाथवेज एक्टिवेट होते हैं ओके okay? तो जो काम आरटीके करता है वो आई एन आर टीके भी करता है जो काम आरटीके कर सकता है क्योंकि आरटीके में भी तो आपने साइटोप्लाज्म में मतलब रिसेप्टर में क्या एक्टिविटी दी थी टायरोसिन काज

एकेटी टिकाइनिस क्या करता है एकेटी एकेटी यस पाथवे इनहिबिट एपोप्टोसिस वेरी गुड तो एकेटी ने एपोप्टोसिस को इनहिबिट किया एकेटी ने एमआरएनए ट्रांसलेशन को एक्टिवेट किया एमटॉर पाथ से तो यस एकेटी एकज ने क्या ग्रोथ को स्टिमुलेट किया सर्वाइवल स्टिमुलेट किया तो यस सेल सर्वाइवल सेल डिवीजन एंड एपोप्टोसिस इनहिबिशन करेक्ट तो ये सारे पाथवे जो है वो इससे रिलेटेड है मतलब सेल सर्वाइवल होगा एज वेल एज एपोप्टोसिस इनिबिशन इवन एमटॉर पाथ से ऑटोफेगी को भी आपने रेगुलेट किया एमटॉर पाथ में ऑटोफेगी का क्या होता है यस yes, इनिबिशन होता है तो एमटॉर पाथ में हमने दो कंडीशन में देखा एक जब एटीपी हाई है एटीपी हाई है तो एमटॉर पाथ एमआरएनए ट्रांसलेशन करेगा ऑटोफेगी इनिबिट करेगा एंड अगर एटीपी लो है तो हमने क्या डिस्कस किया कि एटीपी अगर लो है तो वहां हाइपोक्सिक कंडीशन आई ATP लो गए, एएमपी ज्यादा हो, AMP हो तो होगा, एंड वो को एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो ये जो दो पाथवेज है ये हमने कैसे डिस्कस किए थे ये हमने डिस्कस किए थे कि जब आपको ग्रोथ स्टिम्यूलेशन करनी है जब आपको सेल्फ्रॉलीप्रेशन स्टिमुलेन करना है तब आप मैप पाथवे को एक्टिवेट करो जब आपको ग्रोथ स्टिमुलेशन करनी है जब आपको सेल करना है, तब आप को एक्टिवेट करो।, मतलब, करो एंड जब आपको मतलब सिंपल है कि आईपी थ्री डेक पाथ से आपने मेटाबॉलिक रेगुलेशन किया जीन रेगुलेशन किया तो जब आपको मेटाबॉलिक रेगुलेशन करना है जीन रेगुलेशन करना है तब आप क्या करो सिंपल आप आईपी थ्री डैकपाथ एक्टिवेट करो तो सारे वेज से आपने वहां पे सेल्स में ग्रोथ प्रमोट की थी भारती आपको मतलब हर सेल्स में हमें आरटीके दिया है बट जो इम्यून सेल्स है इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करना है तो इम्यून सेल्स के लिए साइटोकाइंस रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि वो एंटीजन के अगेंस्ट एक्टिवेट हो रहे हैं वहां पे आपको इम्यून सिस्टम का फंक्शन करना है आपको इम्यून सेल्स को अलग पाथवे देना पड़ेगा अगर आपको उनको अलग वे से एक्टिवेट करना है तो नॉर्मल सेल्स तो नॉर्मल ही रहते ओके okay, वो क्लोनल एक्सपेंशन नहीं करते या वो हाइपर स्टिम्युलेट नहीं होते या उनको प्रोलिपरेट करके बहुत सारे नंबर्स क्लोन बढ़ाने की जरूरत नहीं है या उनको मतलब नॉर्मल सेल्स कभी इम्यून फंक्शन नहीं करते इफेक्टा रिस्पॉन्स नहीं करते बट अगर नॉर्मल सेल्स को आप ग्रोथ फैक्टर दोगे तो इम्यून सेल्स को आप सेम ग्रोथ फैक्टर नहीं दे सकते ना इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करना है तो आपको साइटोकाइंस साइटोकाइंस देने पड़ेंगे इम्यून सेल्स का फंक्शन डिपेंडेंट होता है उनका एंटीजन के अगेंस्ट एक्टिवेशन होता है उनको अलग रोल दिया जाता है तो उनके लिए आपको अलग पाथवे रखना पड़ेगा एंड दैट इज वायदे एनआरटी के वहां पर दिया गया है साइटोकाइंस रिसेप्टर है ओके okay? ये समझ में आया देन नेक्स्ट पाथवे या तक समझ में आया यस yes. यस yes. या तक समझा नाउ नेक्स्ट देखो शार्पर द एच तो शार्पर द एच ब्राइटर वुड बी द फ्यूचर शार्पर द एच राइटर वुड बी द फ्यूचर क्लासरूम कोचिंग है तो यहां पर आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट देर इज दर टी के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कप्पल रिसेप्टर होता है करेक्ट है वेरी गुड श्रुति वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कपल रिसेप्टर है नाउ नेक्स्ट अभी क्लासरूम कोचिंग इलेवन जान से स्टार्ट हो रही है तो आप ज्वाइन कर सकते हो आपके फ्रेंड्स को बता सकते हो नाउ अभी हम डिस्कस करें जैकस्टेट पाथवे तो जो एनआरटी के एक्ट होता है क्योंकि जैक हमने वहां पे नहीं डिस्कस किया तो ये जैकटेट पाथवे क्या होता है उसका रोल क्या है वो हम डिस्कस करें तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कपल रिसेप्टर सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कपल रिसेप्टर्स क्या होते हैं yes, यस तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कपल रिसेप्टर में हम आ, ये देख रहे हैं कि आ, यहाँ पे एनआरटी के पाथ में एक्टिवेशन कौन होता है तो यहाँ पे एक्टिवेशन होता है टायरोसिन काइनेज बट यहाँ पे टायरोसिन काइनेज कौन सा है तो ये है जेनस काइनेज एंड जेनस काइनेज इज द जैक एंड दिस इज नॉन कोवैलेंटली असोसिएटेड वित रिसेप्टर तो ये नॉन कोवेलेंटली असोसिएटेड होता है रिसेप्टर के साथ ओके नाउ सिंपल बहुत सिंपल पाथवे है इसमें ज्यादा कुछ नहीं है जैसे अगर आप देखो तो सपोज दिस इज द प्लाज्मा मेन सो दिस इज प्लाज्मा एंड यहां पे दिस इज द रिसेप्टर ये रिसेप्टर है एंड दिस इज द साइटोकाइन रिसेप्टर तो यहाँ पे बाइंड हुआ साइटोकाइन रिसेप्टर so, है तो साइटोकाइन बाइंड हुआ एंड यहाँ पे इन साइड जेनस का जो असोसिएटेड है नॉन कोवेंटली रिसेप्टर को तो ये जेनस काोसिएटेड नॉन कोवलेंटली टू द रिसेप्टर

सॉरी uh, ये जो जेनस का है, वो रिसेप्टर के ऊपर करेगा तो दोनों के ऊपर होगा जब दोनों के ऊपर मतलब रिसेप्टर का लिगेंड इंड्यूस डायमराइजेशन हुआ डायमराइजेशन के बाद रिसेप्टर का खुद का फॉस्पुलेशन हुआ उसके बाद रिसेप्टर फॉस्पुलेट होने के बाद अभी यहाँ पे यहाँ पे साइटोप्लाजम एक प्रोटीन होता है इसे बोलते हैं स्टैट इसे क्या बोलते हैं स्टैट एंड ये जो स्टेट है सिग्नल ट्रांसड्यूसर सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन तो सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन तो स्टैट जो है वो सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ द ट्रांसड्यूसर है ये स्टैट जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक साइड पे आके बाइंड होता है रिसेप्टर को मतलब फॉस्पोरेटेड रिसेप्टर को स्टैट आके बाइंड होता है जब स्टैट फॉस्पुलेटेड रिसेप्टर को बाइंड होता है अभी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो फॉस्पुलेटेड रिसेप्टर को बाइंड होता है तो यहां पे तो यहां पे क्या होता है रिसेप्टर टायरोसिन नॉन रिसेप्टर टायरोसिन टाइरो इट फॉस्पुरट स्टैट कि स्टैट का भी फॉस्पुलेशन होता है मतलब जैक क्या करता है जैक स्टैट को फॉस्पुरेट करता है तो जैक स्टेट को फॉस्पुलेट करता है जैसे स्टैट स्टेट होता है स्टेट डायमराइज होता है एंड स्टेट डायमराइज हुआ एंड हियर स्टेट जाएगा न्यूक्लियस में स्टैट गया न्यूक्लियस में सो दिस इज न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस में जाके स्टेट क्या करेगा क्योंकि वो सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है मतलब वो मेजरली क्या करता है जीन एक्सप्रेस करता है तो स्टेट यहाँ पे आके जीन एक्सप्रेस करेगा दिस इज स्टेट एंड दिस इज फॉस्फोलेशन दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट चीन सो एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट चीन सो दिस इज द प्लाज्मा मेमरी ये हुआ जैक स्टेट पाते हुए तो देखो कितना सिंपल है स्टेट इज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर स्टेट क्या है तो स्टेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है बिफोर द स्टैट इज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तो ये न्यूक्लियस में जाएगा आर जेएनएस काइनेज तो नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है जेनस काइनेज नाम है एंजाइम का एनआरटीके का ओके तो जेनस काइनेज या सीएसआरसी दोनों भी नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज और क्या तो यही है एनआरटीके पाथवे तो यहां पे हमने आरटीके एंड एनआरटीके रिसेप्टर्स को डिस्कस किया हमने आरटी के एनआरटी के फंक्शन को भी डिस्कस किया उसके साथ साथ आरटी के का एनआरटी का रिलेशन भी को भी डिस्कस किया क्योंकि यही आपको आना चाहिए यही आता है एग्जाम्स में भी तो नॉन रिसेप्ट आरशन करने अभी यहां तक आपको कोई डाउट है कि आप मुझे बोलो स्टैट के लिए स्टैट का रिस्पॉन्स एलिमेंट है वो इंफ्लामेटरी जीन्स को एक्सप्रेस करता है ओके एचआर साइड को ही बाइंड होगा स्टैट अपने जीन जीन एक्सप्रेस को एक्सप्रेशन करेगा क्योंकि वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसके लिए भी खुद का एचआर साइड -e होगा स्टैट ये समझ में आया बस इतना ही नहीं अच्छा कंफ्यूजन क्या है कंफ्यूजन बताओ चलो यस टारगेट जीन मेंशन नहीं करने है, क्योंकि देखो साइटोकाइन अलग अलग काम करते इंटरलुकिंग का काम अलग है इंटरफेर का काम अलग है इंटरफेरॉन हो तो वायरस इंफेक्शन के अगेंस्ट के प्रोटीन एक्टिव करते हैं जैसे टाइप वन इंटरफेर है जैसे अगर साइटोगाइन इंटरलुकिन है, है तो सेल प्रोलिफ्रेशन टी सेल प्रोलिफ्रेशन का काम करेगा इंटरलुकिन फोर है तो उसका काम अलग होगा डिफ्रेंसेशन में तो अलग अलग इंटरलुकिंग के अलग अलग काम है अभी तो बस इतना याद रखो सिंपल है जैक देखो जब भी साइटोकाइन रिसेप्टर को बाइंड होगा एनआरटी के को

टारगेट जीन एक्सप्रेस करेगा तो पे टारगेट जीन एक्सप्रेस कौन से कौन से होंगे तो यहाँ पे इनफ्लामेटरी साइटोकाइंस के जीन एक्सप्रेस होंगे अलग अलग डिफरेंट चीज जो है वो एक्सप्रेस होंगे तो ये अलग अलग सेल्स के ऊपर अलग अलग फंक्शन होगा ओके okay? हाँ तो यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स का चल रहा है इम्यून रिस्पॉन्स का चल रहा है तो ये हुआ साइटोकाइन रिसेप्टर नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज हां अभी यहां तक समझ में आया कि आपको आप मुझे बताओ यस yes. तो यहां पे हमारा नॉन रिसेप्टर टायरोसिन कंप्लीट हुआ नॉन नॉन क्या है कॉवेंट कॉवेंट मतलब क्या मुझे डाउट समझ में नहीं आया सुष्मिता आरटीके का डिफरेंस मैंने बोला आरटीके में इंट्रेंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है और इसमें इंट्रेंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती ये हुआ नॉन रिसेप्टर टायरोसिन इनका वेरी गुड आपको समझ में आया तो देखो आई का बुक कार्निवल तो है टू डेज लेफ्ट है ओनली दो टू डेज लेफ्ट है तो आई वेल फॉर फिफ्टी परसेंट जो है वो डिस्काउंट है फुल सेट पे तो फुल सेट आप ले सकते हो आईएफएस के बुक कार्निवल पे ओके आईएफएस ऐप के जो फीचर्स है ऐप के फीचर्स तो मैंने आपको बता दिए कि लाइव सेशंस में आप लाइव सेशंस देख सकते हो आईएफएस ऐप पे लाइव इंटरेक्शंस देख सकते हो आईएफएस ऐप पे ऑनलाइन ऑफलाइन चैट देख सकते हो आईएफएस ऐप पे टीचर्स ई नोट्स देख सकते हो वीडियो ऑडियो डाउनलोड देख सकते हो रिकॉर्डेड सेशन ऑफ फॉर रिविजन से एंड डीपीपी डेली प्रैक्टिस शीट्स जो है वो आई एप एस एप देख सकते हो तो आई एप एस को आप अभी डाउनलोड कर लेना और फ्री कंटेंट जो भी आई एप एस में उसको आप यूज करना ओके तो ये आई एफ एस एप का देखते अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है नहीं तो पहले आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दो बाद में हम एक्सप्लेन करते ऑनलाइन क्वेश्चन कोचिंग मंडे से स्टार्ट हो रही है न्यू बैच अभी ज्वाइन कर सकते हो आपको जो कांटेक्ट नंबर आ रहा है आई का कमेंट बॉक्स में उस पे आप कांटेक्ट करो एंड कांटेक्ट करके आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करो ओके okay? तो ये क्वेश्चन देखते हैं अभी जैक स्टेट पाते हुए आपको कितना समझ में आया देखते यस yes. स्टेट का जो रिस्पांस एलिमेंट होगा स्टेट के रिस्पांस एलिमेंट पे बाइंड होगा स्टेट ये तो छोटा है एनआरटी के बट ये एनआरटी के इंपॉर्टेंट है साइटोकाइन के रिसेप्टर है तो यहां पे आपको पूछा क्या है इन सम रिसेप्टर्स रेदर देन पोजेसिंग इंट्रेसिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी मेन रिसेप्टर साइड बाई

यस जैक स्टैट को फॉर्सुलेट करते है या स्टैट जैक को फॉर्समुलेट करता है यस yes, करेक्ट तो पीओ ने करेक्ट लिखा है कि जैक फॉर्मुलेट स्टैट यहां पे स्टेटमेंट में गड़बड़ है यहां पे स्टैट जैक को कर रहा है तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत है करेक्ट तो आपने सही किया जवाब वेरी गुड सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट यस, यस, करेक्ट तो फोर्थ ऑप्शन गलत है स्टेट जैक को नहीं करता जैक स्टेट को करता है क्योंकि स्टेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है बस ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट देखने होते ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते दूसरा कुछ नहीं पूछा जाता यही पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देखते आपको समझ में आता है या नहीं आता अगर डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेंट ऑफ जैक है डोमिनेंट नेगेटिव मतलब लॉस ऑफ फंक्शन है इनिबिटेड है अगर डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेंट है जैक का तो क्या होता है यस yes. देखो सही तरीके से देना आपको पूछा क्या है देखो देखो ये बोल रहा है हाउ वुड द इंडक्शन ऑफ द जीन्स आर ओवर एक्सप्रेस डोमिनेट नेगेटिव म्यूटेंट ऑफ जैक इफ देर इज साइटोकाइन सिग्नलिंग द जैक रिमेन्स इन द इनएक्टिव स्टेट दैट वुड रिजल्ट इन टू इनिबिशन ऑफ स्टैट एक्टिवेशन एंड ब्लॉक जीन इंडक्शन ये करेक्ट है मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी होगा वेरी गुड स्टैट फॉस्पोरलेट एंड एक्टिवेट जैट ये तो भी गलत है द एक्सप्रेशन ऑफ डोम जैक ऑफ स्टैट ये भी गलत है जैकॉस्पोरेट एंड एक्टिव स्टेट इन रिपोर्ट टू साइट एक्सप्रेशन ऑफेटिव जैक वु इस क्वेश्चन के दो आंसर हो गया ए एन टी ओके ऑप्शन बोला है अभी आपने वो करेक्ट है डी बी ऑप्शन करेक्ट है ओके तो ए एन टी ऑप्शन करेक्ट है वेरी गुड आप लोग मतलब स्मार्ट बन गए अभी आप लोग बहुत होशियार हो गए अभी जी एक्सटेड पाथवे आपको बहुत अच्छे से आया यस yes. हाँ आपको लगा होगा डी ऑप्शन अच्छा नहीं दिख रहा था डी ऑप्शन अच्छा ये दिख नहीं रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो दिखता है सब आपको दिख नहीं रहा है हाँ यहां पे नहीं दिख रहा है ये तो मैं बात मानता हूं यहां पे नहीं दिख रहा ऑप्शन पता नहीं इतना नीचे कैसे गया क्वेश्चन देखो अभी ये क्वेश्चन अभी दिख रहा है आपको अभी सबको दिख रहा है यस अच्छा ब्लर एक क्वेश्चन अरे अरे ब्लर हो गया क्वेश्चन अच्छा अभी ये नहीं आ रहा होगा इसलिए ब्लर हो गया क्वेश्चन जो आ रहे थे वो तो क्या फिर देख रहे थे सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो सब कुछ दिखते हैं क्वेश्चन जो नहीं आते वो हो, ब्लर होते उसमें तो डायग्राम ही अच्छी नहीं है ये ग्राफ तो दिखाई नहीं दे रहा है क्या लिखा है क्वेश्चन में हाँ क्वेश्चन कैसे पूछा है ये फिर गलतियाँ दिखती है क्वेश्चन में पता है क्यों क्योंकि अपने को नहीं आता तो फिर क्वेश्चन ही गलत है ना हम थोड़ी बोलेंगे हम गलत है हम कभी गलत नहीं होते हम बहुत और स्मार्ट है ये क्वेश्चन गलत है ब्लर है क्वेश्चन दिख नहीं रहा है अगर दिखता तो ऐसे देते ऐसे ऐसे फेंक के मारते आंसर अगर दिखता क्वेश्चन तो

हाउ वुड पीडीजेप मोनोमर है अभी यह पीडीजेप मोनोमर है तो ये कैसे अपेक्ट करेंगे तो देखो पीडीजेप मोनोमर्स कैन इंट नॉर्मल रिसेप्टर डायमेशन सिंस द नेक्स्ट क्रिटिकल स्टेप इन दिग्लिंग प्रोस इट्स दे वुड बी स्टिमुलेट द पीडीएफ रिसेप्टर पीडीजेप मोनोमर अभी ये पीडीजेप मोनोमर होंगे डायमर होते तो रिसेप्टर एक्टिवेशन होता मोनोमर होते नहीं होता पीडीजे मोनोमर नॉट रिक्वायर्ड फॉर रिसेप्टर नो ये गलत है फर्स्ट क्रिटिकल स्टेप इन द सिग्नलिंग फर्स्ट प्रोटीन रिसेप्टर ये करेक्ट वुड इंड्यूस रिसेप्टर डायमर्शन ये गलत है मोनोमर से डायमराइजेशन नहीं होगा मोनोमर से डायमराइजेशन नहीं होगा डायमरी चाहिए वहां पे हाँ इंटेलिजेंट है देखो इंटेलिजेंट हाँ हम फेंक के भी नहीं मारते हम तो यू छोड़ देते यूएसए वो ऐसे कबूतर छोड़ते ना आसमान में चिट्ठी लिख के वैसे क्वेश्चन भी छोड़ते हैं कमेंट्स में ये लो बी ऑप्शन ये लो सी ऑप्शन अगर ऊपर वाले ने ऑप्शन दिया है तो सारे ए ऑप्शन आते ये लो सारे ए ऑप्शन सारे कबूतर फिर एक के उड़ते एक के ही फिर बाद में बोलता है कोई नहीं ए नहीं बी ऑप्शन ए फिर कबूतर को फिर से वापस बुलाया जाता है फिर बी ऑप्शन के कबूतर उड़ाए जाते हैं पता है हमने ऐसे ऐसे भी देखे कि एक एक मिनट में आंसर चेंज होते हैं वो कबूतर कंफ्यूज भाई ये मुझे क्यों उड़ा रहा है अगर मैं नहीं हूं आंसर तो भी उड़ा रहा है ए भी हो रहा है बी भी हो रहा है सी भी हो रहा है डी भी हो रहा है हा इन मोस्ट केसेस चेन रिएक्शन ट्रांसमिट फ्रॉम द सेल सरफेस टू वैरायटी ऑफ रिसेप्टर ये हा हा लो तो चोको पाए तो पहले चाहिए अच्छा सी था तो देना चाहिए कंफ्यूजन क्यों यहाँ पे थोड़ी क्या होने वाला है नेगेटिव थोड़ी होता है यहाँ पे तो आप कन आपको तो पता था फिर भी नहीं देते आई यहाँ पे तो नहीं पता है तो भी सारे आंसर देते पता है पहले कमेंट में आता है ए ऑप्शन फिर दो मिनट बाद चेंज होता है आंसर बी ऑप्शन फिर तीसरे कमेंट में आता है सी और बाद में बोलते सर फाइनल डी ऑप्शन करेक्ट कर लो डी है इसका पता है मतलब चारों ऑप्शन देने के बाद इनको समझ में आता है कि नहीं क्वेश्चन का डी ऑप्शन है <laughs> ये अच्छा है मतलब अच्छा घोर बेज्जती घोर बेज्जती किसकी हुई यस घोर <laughs> बेजती तो यहां पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ आज हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लिया एनआरटी के पाथ में अभी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बोल देना यस न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है मंडे से तो मंडे से आप ज्वाइन कर सकते हो मैं तो हमेशा ही मेंटॉस लेके आता हूं ओके okay, लोटर चोको पाया अभी तक मैंने नहीं खाया कम नहीं है ये टॉपिक वाइज चल रहा है टीचिंग का टाइम तो उतना ही है जैसे टॉपिक होते हैं क्योंकि टॉपिक आज देखो एनआरटी के कंप्लीट किया कल से हम नेक्स्ट रिसेप्टर पढ़ेंगे वो अलग रिसेप्टर से तो उनको थोड़ा टाइम लगता है ना तो अलग अलग टॉपिक वाइज टाइम होते हैं तो थैंक यू ऑल थैंक यू सो मच लास्ट सेशन का डाउट क्या था मान से आप पूछ सकते हो थैंक यू ऑल आपको कैसे लगा लेक्चर आप बता देना तो लेक्चर कैसे लगा वो बता देना थैंक यू थैंक यू डाउट जो है वो डाउट भी बता देना क्लास पांच से ही होगा मंडे से क्योंकि वो अभी क्लासरूम के लेक्चर थे ना इसलिए क्लासरूम के लेक्चर की वजह से लेट किया था ओके पी वाई क्यू बुक में होंगे लास्ट एग्जाम के भी क्वेश्चन होंगे थैंक यू थैंक यू ऑल थैंक यू बाकी हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक थैंक यू बाय बाय हा पीडीजीएफ रिसेप्टर पहले से डायमर होता है पीडीजीएफ रिसेप्टर पहले से डायमर होता है थैंक यू ऑल थैंक यू हाँ बैड को फॉस्पुलेट करता है एक ही बैड को फॉस्पुलेट करता है फॉक्सो को करता है उसके साथ साथ जीएस के थ्री को भी करता है तो एक ही इन तीन चार प्रोटीन को फॉस्पुलेट करके इनएक्टिवेट करता है हा yes. फ्रेश ही टॉपिक है ये यस थैंक यू ऑल थैंक यू बाकी मिलते हैं कल मंडे को पे डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट पाथवे थैंक यू थैंक यू जीएस के थ्री बाद में समझ में आएगा मानसी जब हम विंट uh, डिस्कस करेंगे रिसेप्टर डिस्कस करेंगे तब समझ में आएगा ओके जीएस के थ्री प्रोटीन होता है ये से भी याद रखना जीएस के थ्री जो एम सेल वन को इनिबिट करता है थैंक यू ऑल थैंक यू तो जीएस के थ्री इट इनिबिट एम सेल वन इन द एमटोर पाथवे एक पाथवे हा हा Thank you all. Thank you.